हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेंद्र। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पलाइन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आपको बताएंगे कि स्मार्ट पे सर्विस यदि आपने ले रखी है तो उसके अंदर AEPS का पैसा मूव टू बैंक कैसे करते हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि सेटलमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं AEPS का पैसा कैसे सेटलमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास ये इस प्रकार की ऐप होनी चाहिए, स्मार्ट पे सर्विस। तो इसके अंदर AEPS के अंदर 8 रुपये कमीशन मिलता है। तो यदि आप इसकी ID लेना चाहो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम सेटलमेंट करके देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, जो भी रिटेलर है क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। तो इसके अंदर सिंपली आपको साइट टाइप करना है। तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, smartpayservice.in। तो काफ़ी आसान सा है, और यदि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबरों पे संपर्क भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइन है यानी 3 डॉट है, इसके ऊपर सिंपली टच कर देना है। तो जैसे ही टच करोगे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको डेस्कटॉप मोड को अनेबल कर देना है। ठीक है, इस पर टच कर देना है। तो ये फ्रेंड्स PC की तरह ओपन होने लग जाएगा, यानी कंप्यूटर की तरह ओपन होने लग जाएगा। तो चलिए, हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन अच्छी तरह से हो जाती है। तो चलिए, हमारा डेस्कटॉप मोड है वो ओपन हो चुका है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जूम करने के बाद में यहाँ पे 3 लाइन है, तो इसके ऊपर सिंपली टच कर देना है। तो जैसे ही टच करोगे फ्रेंड्स, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और साइड में स्क्रॉल करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यानी लॉगिन करने के लिए, तो आपको सिंपली इस पर टच कर देना है। तो चलिए, मैं यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। और यदि हमारे पास रिटेलर ID है तो तभी हम यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। वैसे डिस्ट्रीब्यूटर ID भी यहाँ से ही लॉगिन होती है। ठीक है, तो चलिए अभी ओपन हो जाती है फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ID और पासवर्ड डाल लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ID डालनी है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे लॉगिन पे सिंपली दबा देना है। तो फ्रेंड्स, आपके पास रिटेलर ID है तो ID पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है और लॉगिन पे सिंपली दबा देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी लॉगिन हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा लॉगिन हो चुका है। अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी ये पूरी तरह ओपन नहीं हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, आप हमारा बैलेंस देख सकते हैं, 3061 रुपये है। तो अभी इसको ले जाना है बैंक के अंदर, यानी मूव टू बैंक, यानी बैंक सेटलमेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे सिंपली 3 लाइन है, 3 लाइन के ऊपर सिंपली टच कर देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन खुल जाएगा, यानी मेन्यू खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो कैश आउट, AEPS कैश आउट लिखा हुआ है। और यदि कोई कस्टमर पहली बार, यानी कोई रिटेलर पहली बार कैश आउट कर रहा हो, यानी बैंक सेटलमेंट कर रहा हो, तो उसको नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अंदर सबसे पहले बैंक अकाउंट लगाना पड़ता है, यानी कि किस अकाउंट के अंदर उसका पैसा चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम मैंने लगा रखा है, तो मैं सिंपली AEPS कैश आउट के ऊपर दबा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने AEPS कैश आउट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली ओपन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी ये टाइम चल रहा है इसका। उसके बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पे AEPS कैश आउट की जो भी रिपोर्ट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। और फ्रेंड्स, कैश आउट तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओके सिंपली कर देना है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप देखोगे, तो नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 एंट्री दिखाई दे रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी जैसे मान लो 2560 रुपये है, 556 रुपये है और 1 रुपये है। तो ये सभी एंट्रियां हैं, और यदि ज़्यादा काम किया होगा तो ज़्यादा एंट्रियां दिखेगी। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर सिंपली टिक कर देना, यानी कि कौन सी पेमेंट हमें बैंक में चाहिए। यदि सारी पेमेंट बैंक में चाहिए तो आप सभी पे चेक मार्क लगा दीजिए। तो चलिए, मैं सभी पे चेक मार्क लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा 3000
54 रुपये सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये टोटल बैलेंस दिखा रहा है, टोटल दिखा रहा है फ्रेंड्स आप देख सकते हो। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपली इस सेटलमेंट के ऑप्शन पे दबा देना है। यदि आपने बैंक अकाउंट लगा रखा है तो तुरंत आपके बैंक में चला जाएगा। तो चलिए मैं सिंपली इस पे टच कर देता हूँ और देखते हैं कितनी फास्ट जाता है, कितनी तेजी से जाता है। तो चलिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा नेट स्लो है, बाकी है ना अभी देखिए फ्रेंड्स मैसेज आ गया है कि सक्सेस यू आर पेज विल बी लोडेड अगेन। तो चलिए अभी ये दोबारा से पेज लोडेड अगेन होके बता देगा। ठीक है ठीक है, रिपोर्ट सक्सेसफुल। तो फ्रेंड्स ये पैसा डायरेक्ट जा चुका है बैंक अकाउंट के अंदर। तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कितना पैसा आया है, तो इसके लिए हमें अपनी बैंक की नेट बैंकिंग ओपन करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स हमारे पास HDFC बैंक है, तो मैंने ये अकाउंट लगा रखा है स्मार्ट पे के अंदर। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर नेट बैंकिंग के लिए ID पासवर्ड लगाना पड़ता है। तो चलिए मैं इसमें ID और पासवर्ड भर देता हूँ। तो इसके लिए मैं रोक देता हूँ क्योंकि ये एक सिक्योरिटी रीजन है, मैं इसको नहीं दिखा सकता। तो फ्रेंड्स मैंने ID पासवर्ड लगा दिया है, अभी सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। तो चलिए सिक्योरली लॉगिन हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो नेट बैंकिंग है वो ओपन हो चुका है और हमारा टोटल बैलेंस भी यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी नीचे आ जाते हैं फ्रेंड्स और यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ इसके बाद में यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। ठीक है, आप ये बैलेंस देख सकते हो। उसके बाद में फ्रेंड्स हमें स्टेटमेंट चेक करना है। ठीक है, हम तो स्टेटमेंट के ऊपर सिंपली टच कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सिंपली टच कर देंगे। तो जो भी हमारी स्टेटमेंट है, जो भी जितना भी पैसा आया होगा तो वो यहाँ पे सिंपली दिखा देगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 30 अगस्त को 3054 रुपये है, तो वो यहाँ पे सिंपली आ चुका है। और फ्रेंड्स इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ये तीर के निशान से पता लग जाता है ये पैसा आया है और ये पैसा गया है। तो ये तीर के निशान है तो इससे आप पता लगा ही सकते हो कि आया कौन सा है और गया कौन सा है। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी सर्विस है, तुरंत पैसा आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप इस स्मार्ट पे की सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।